नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स सीरीज में आपका स्वागत है। मैं न्यूज़ सरोज आई नजर डालता हूं आज की कुछ खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को अनदेखा कर रही है सरकार। मिर्जापुर जिले के नारायणपुर ब्लॉक के पचेवरा गांव के गिरिजा शंकर पटेल, जो कि फोर्थ क्लास की नौकरी करने वाली की बेटी निधि सिंह पटेल ने देश हित का नाम रोशन किया। निधि सिंह पटेल ने पावर लिफ्टिंग 2019 में कनाडा में अपने देश के लिए रजत पदक जीत कर लाई है। निधि सिंह पटेल ने बताया कि हमें बचपन से ही खेल कूद का बहुत शौक था, लेकिन अफसोस गरीबी के कारण खेल की सामग्री नहीं मिल रही। निधि ने पत्रकारों को बताया कि जब हम छोटे थे तो समाचार के माध्यम से सुनते थे कि आज अपने देश की महिलाओं ने अपने देश का नाम रोशन किया, तो हमारे मन में भी जिज्ञासा हुई कि हम भी देश के लिए खेलेंगे। तो हमने 2009 में आटे की चक्की के पत्थर से पावर लिफ्टिंग शुरू की। अपने गांव में बड़ी मेहनत के बाद हमने अपने देश के लिए दर्जनों मेडल लाए। निधि पटेल ने कहा कि पहला मैच 2010 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशिया बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। निधि पटेल ने बताया कि हम जिस भी देश में खेलेंगे, हमें सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। हम भीख मांग कर अपना खेल खेलते हैं। हम पहले मैच 2010 में खेले और दूसरा मैच अगस्त 2011 में एशिया ब्रेंच प्रेस ताइवान में खेले, तो हम वहां से कांस्य पदक जीते। और तीसरा मैच हम दिसंबर 2011 लंदन में खेले, तो वहां हम 5 स्वर्ण पदक जीते। 2015 में अक्टूबर ओवाम में कांस्य पदक जीते और 2017 में रजत पदक जीते। सितंबर 2018 को साउथ अफ्रीका में स्वर्ण पदक जीते और सितंबर 2019 में कनाडा में रजत पदक जीते। लेकिन सरकार हम जैसे खिलाड़ियों के साथ भेदभाव क्यों कर रही है? निधि पटेल ने कहा कि हम कब तक भीख मांग कर मेडल लाएंगे, हम अपने पैसे से ही खाए। सरकार की तरफ से हम जैसे खिलाड़ी को न जीने के किसी प्रकार की सपोर्ट मिल रही है और न खाने पीने की कोई भी सामग्री। हम पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए सरकार मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। अगर सरकार खिलाड़ियों के साथ इस तरह का भेदभाव करेगी तो खिलाड़ी किसी भी खेल से दूर होता जाएगा। प्रयागराज से जगदीश सिंह की एक रिपोर्ट।